सो हेलो फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग शाहजहांपुर के संग्रहालय का है और इस संग्रहालय को देखने के बाद आप लोगों के मन में भी अगर देशभक्ति है और सो फ्रेंड्स, अंदर आने के बाद आपको अपने भारत के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, मतलब भारत की हिस्ट्री देखने को यहाँ पर आपको मिलेगी। अभी तक जितने भी आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ हुई हैं, जो भी युद्ध हुए हैं, उनकी सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, रानी लक्ष्मीबाई का एक जो युद्ध हुआ था उसका व्यू, और हमारा शाहजहांपुर का हनुमत धाम भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर शहीद पार्क भी बना हुआ है, और केआर पल्प जो फैक्ट्री है वो भी है यहाँ पर, और रिलायंस पावर हाउस का भी मॉडल आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आपको आगे का भी एक कंप्लीट व्यू दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, इसके बाद मैं अभी चल रहा हूँ ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर, देखता हूँ वहाँ पर भी बहुत कुछ बना हुआ है, और ऊपर का पोर्शन मैं आपको दिखाता हूँ।
चलिए आपको दिखाते हैं शहीद श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी की रिवॉल्वर जो इस म्यूज़ियम में रखी हुई है, जो आपके सामने है फ्रेंड्स। और इसके बाद उनकी एक बुक का फ़ोटो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो शाहजहाँपुर में मंडी के पास मिशन स्कूल है वहाँ पर वो पढ़ते थे, और उसी स्कूल की जो बुक है जो 1916 के टाइम की है। सो फ्रेंड्स, काकोरी कांड को तो अब फ्रेंड्स काकोरी घटना कहा जाता है, और उसी का ये एक व्यू यहाँ पर कंप्लीट बना हुआ है। सो फ्रेंड्स, आज़ादी के टाइम पर शहीद हुए जो हमारे शहीद हैं उनके आपको यहाँ पर एक व्यू देखने को मिल जाएगा, और उनके द्वारा जो लिखी गई गज़ल हैं और देशवासियों के लिए जो उनके संदेश हैं वो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। चलिए ऊपर वाले पोर्शन में अब दूसरे एरिया में चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या और बना हुआ है म्यूज़ियम में। सो फ्रेंड्स, अभी मैं म्यूज़ियम के बाहर आ चुका हूँ और आपको यहाँ के बाहर का जो कंप्लीट व्यू है वो दिखा दूँ कि काफ़ी देखने में कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आपको काफ़ी शांति मिलेगी, मतलब यहाँ पे गार्डन वार्डन में कहीं पे बैठ के आप लोग तो रिलैक्स कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए आपको एक कम्प्लीट व्यू मैं आपको दिखा दूँ। सो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं यहाँ एंड कर रहा हूँ, और एंड करने से पहले आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहूँगा। जब मैं यहाँ पर वीडियो शूट कर रहा था, कुछ लोगों को मैंने देखा जो लोग हमारे शहीद हैं जो देश की आज़ादी के लिए शहीद हो गए, कुछ लोग उनके साथ फ़ोटो शूट करते टाइम वीडियो बनाते टाइम काफ़ी उनका मजाक बना रहे थे, लेकिन मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी है, क्योंकि उन लोगों ने हम लोगों के लिए कितनी ज़्यादा तकलीफ़ें सही हैं, लोग उनकी इज्जत नहीं कर रहे थे, और मुझे इस चीज़ का काफ़ी बुरा लगा। जो मैंने एक वो जेल वाला व्यू दिखाया, तो मैंने एक बंदे को देखा वहाँ पे वो वीडियो बना रहा है और उनसे वो बोल बोल के उनके साथ मजाक वाली बात कर रहा, तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी है। सो फ्रेंड्स, कुछ लोग थर्ड क्लास की सोच वाले होते हैं, और मुझे यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे देखने को मिले जो मतलब इतनी मेहनत से यहाँ पर बना हुआ है म्यूज़ियम, इतनी मुश्किलों के बाद बना है, तो लोग यहाँ पर उन चीज़ों की केयर नहीं कर रहे, उन चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे। और फ्रेंड्स, ऐसे ही घटिया सोच वाले लोग, मतलब इनके लिए कुछ भी कितना भी कुछ कर दो आप, लेकिन ये यही कहेंगे कि कुछ सुधार नहीं हो रहा, कुछ अच्छा नहीं करा जा रहा है। ऐसे ही मैंने लास्ट टाइम छोटी लाइन स्टेशन की वीडियो बनाया, तो वहाँ पर एक भाई साहब जिस सीट पर बैठे हुए वहीं पर वो गुटखा थूक रहे थे, और फिर बाद में कहते हैं कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कुछ देश में तरक्की नहीं हो रही है। मतलब कुछ भी कर दो, लेकिन बर्बाद खुद ही करेंगे और फिर ब्लेम दूसरों को करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप लोगों का क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलता हूँ अपने अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।